Good morning, children of class 3. Today we revised chapter 1 and the chapter name is The Parts of the Body. And today's topic is the joints. Joints मतलब जहाँ पे दो body आकर जुटते हैं उस point को हम लोग joints कहते हैं. The knees, ankles, hips, wrists, shoulders and neck are called joints. ये सब जो नाम है, ये सब जो organ के नाम है वे सब क्या हैं? Joints हैं. क्योंकि ये दो बॉडी के पार्ट्स को जोड़ते हैं, इसलिए ये सब जॉइंट्स कहलाते हैं. अ जॉइंट इज़ वेयर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर जॉइंड. जॉइंट वो जगह है जहाँ पे हमारे बॉडी के दो पार्ट्स आकर के जॉइन होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो जगह क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द हेड ऑफ जॉइंट इज़ द रेस्ट ऑफ द बॉडी एट द नेक. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा हेड पूरे बॉडी से एक जगह जॉइंट होता है, उस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेक कहते हैं. नेक के द्वारा हमारा हेड हमारे बॉडी से जुड़ा होता है. जॉइंट्स हेल्प अस मूव. जॉइंट क्या करते हैं? जॉइंट मूव करने में हमारी मदद करते हैं. जॉइंट्स के द्वारा ही हम अपने बॉडी को मूव करा सकते हैं. आवर फिंगर्स एंड टोज ऑल्सो हैव जॉइंट्स. इसके अलावा हमारे फिंगर्स और हमारे टोज ये भी जॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है. ये टोज हैं जो यहाँ से जॉइंट होते हैं, हमारे फुट से जॉइंट होते हैं, और ये लेग और फुट हैं जो एंकल की जगह पे जॉइंट होते हैं. थैंक यू.